सामने आ रही है कांग्रेस को लेकर के, वो भी जान लीजिए जरा आप। उत्तर प्रदेश से ही है, आज प्रियंका गांधी वाड्रा शक्ति प्रदर्शन करती नजर आएंगी महिलाओं के साथ चित्रकूट में। याद होगा आपको, लड़कियों लड़ सकती हूं, उस नारे के साथ इस बार कांग्रेस की प्रियंका गांधी चुनावी मैदान में उतरी है महासचिव। लेकिन इन सबके बीच में आज ये चित्रकूट में नजर आएंगी महिलाओं के बीच में प्रियंका गांधी। शक्ति संवाद से पहले 1 बजे प्रियंका यहाँ कामतानाथ मंदिर में पूजा अर्चना भी करेंगी और 3:30 बजे कामतानाथ मंदिर में पूजा अर्चना करेंगी वो, जाएंगी वो। लेकिन शक्ति प्रदर्शन से पहले किस तरीके की तैयारियां कांग्रेस पार्टी के भीतर भी चल रही है और यूपी को लेकर के खास करके कांग्रेस साधने में कैसे जुटी है और कितना महत्वपूर्ण यूपी जीता कांग्रेस के लिए इस बार, कम से कम जमीन बचा लेना। देखिए इस रिपोर्ट को आप। प्रदेश की प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा आज चित्रकूट पहुंच रही है। चुनाव में महिलाओं को 40% टिकट देने का ऐलान कर चुकी प्रियंका गांधी इस बार महिला कार्ड के भरोसे यूपी चुनाव में कांग्रेस की नैया पार करने की तैयारी में है और यही वजह कि अब वो महिलाओं के साथ खास तौर पर जनसंपर्क अभियान में जुट गई है। आज दोपहर 1:30 बजे चित्रकूट घाट पर प्रियंका गांधी वाड्रा महिलाओं के साथ शक्ति संवाद करेंगी। प्रियंका ने लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का जो नारा दिया है उसी थीम पर चित्रकूट में महिला शक्ति संवाद होगा। खास बात यह है कि प्रियंका शक्ति संवाद से पहले भी मंदिर जाएंगी और शक्ति संवाद के बाद भी वो मंदिर में दर्शन करेंगी। दोपहर 1 बजे प्रियंका गांधी शिव मंदिर में भगवान भोले की पूजा अर्चना करेंगी। दोपहर 3:30 बजे प्रियंका चित्रकूट में स्थित कामतानाथ मंदिर भी जाएंगी और पूजन दर्शन करेंगी। प्रियंका गांधी ने हाल ही में यूपी में गठबंधन ना कर अकेले दम पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।